अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जा रहे हो तो बहुत सारे सवाल आपके मन में जरूर आ रहे होंगे। इसमें से एक सवाल है दोस्तों कि अमरनाथ की जो शिवलिंग है वो बनती कैसी है, वो भी जुलाई के महीने में जब ठंड नहीं रहती। तो यह शिवलिंग प्राकृतिक है या फिर चमत्कारी? कश्मीर में वैसे तो 45 शिवधाम, 60 विष्णुधाम, 3 ब्रह्माधाम, 22 शक्तिधाम, 700 नागधाम और अनगिनत तीर्थ स्थान थे जिनको मुगल काल में किराया और तोड़ा गया। सभी में से अमरनाथ जी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जम्मू का एक नगर है अवंतीपुर, यह पहले राजधानी हुआ करता था जम्मू कश्मीर की। पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर खुदाई किए हैं और बहुत सारे तत्व यहाँ से निकाले हैं जो ध्वस्त हो चुके थे। 700 से लेकर 900 साल पुराना यह अमरनाथ जी का मंदिर अपने काल की समृद्धि, कला कौशल और स्थापत्य को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त है। बहुत से लोग मानते हैं कि यह शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। एक एक बूंद पानी गुफा के बीच में गिरता है और वही धीरे धीरे बर्फ के रूप में बन जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि गर्मी में तो बर्फ पिघलती है, फिर गर्मी में यह शिवलिंग कैसे बनता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह शिवलिंग चमत्कारी है या फिर प्राकृतिक। 16वीं सदी में अकबर के इतिहासकार अबू फजल ने आइनाए अकबरी में उल्लेख किया है, अमरनाथ एक तीर्थ स्थल है जिसके गुफा में बर्फ का एक बुलबुला बनता है जो धीरे धीरे करके 15 दिन तक रोज बनता है और 2 गज से अधिक ऊंचा हो जाता है। चंद्रमा के घटने के साथ ही वह भी घटना शुरू हो जाता है और चांद दिखना जब बंद हो जाता है और उसी समय शिवलिंग भी विलुप्त हो जाता है। क्या ये चमत्कार है या फिर वास्तुशास्त्र के हिसाब से यह शिवलिंग बनता है? चंद्रमा के साथ साथ यह बढ़ता है और चंद्रमा जब विलुप्त होता है तो यह भी समाप्त हो जाता है। चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से माना जाता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि चंद्रमा का असर इस शिवलिंग पर पड़ता है। यही दूसरी बहुत सारी गुफाएं भी है जहाँ बूंद बूंद पानी गिरता है, लेकिन वह शिवलिंग का रूप क्यों नहीं ले पाती? वही ऑक्सफोर्ड के एक इतिहासकार कहते हैं, दर्निया के एक पुस्तक के दूसरे संस्करण में अमरनाथ गुफा आश्चर्य से भरी हुई है जहाँ छत से पानी बूंद बूंद करके गिरता रहता है और पानी जमकर बर्फ का रूप ले लेता है। और बहुत से लोग यह मानते हैं कि इस शिवलिंग का निर्माण गुफा में पानी के बूंदे टपकने से होता है, तो यह बूंदे गिरकर बर्फ का रूप ले लेती है और यही बर्फ 12 से 18 फीट तक बन जाती है और एक शिवलिंग के रूप में बन जाता है। कभी कभी यह शिवलिंग 22 फीट तक भी बन जाता है। वैज्ञानिक का कहना है कि इन प्राकृतिक स्थितियों में इस शिवलिंग का निर्माण होता है वह विज्ञान के तत्वों से बिल्कुल भी विपरीत है। यही बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है। हम आपको बता दें कि विज्ञान के अनुसार बर्फ को जमने के लिए करीब 0 डिग्री तापमान होना जरूरी है, परंतु अमरनाथ यात्रा जून जुलाई से शुरू होती है और उस समय इतना कम तापमान होना संभव ही नहीं है। जबकि कुछ वैज्ञानिक यह तर्क देते हैं कि इस गुफा में हवा का घुमाव ही ऐसा है कि हर साल शरद ऋतु जैसा तापमान बन जाता है जिससे प्राकृतिक रूप से यह शिवलिंग बन जाता है। यही कारण है कि बाकी स्थानों की बर्फ पिघल जाने पर यह अपना अस्तित्व बनाए रखता है। और भी बहुत सारे तथ्य विज्ञान के हैं। अमरनाथ गुफा के आसपास और उसके दरारों में से छोटे छोटे छिद्रों में से शीतल हवा की आवाजाही होती रहती है, उससे गुफा में और उसके आसपास बर्फ जमकर शिवलिंग का आकार ले लेता है। लेकिन इस तथ्य की अभी तक कोई पुष्टि भी नहीं हुई है क्योंकि यह दोनों बातें ही तर्क पे आधारित है। धर्म में आस्था रखने वाले यह मानते हैं कि यही नियम शिवलिंग बनने का है तो यहाँ पर बहुत सारी गुफाएं हैं तो फिर क्यों नहीं शिवलिंग बहुत सारे बन जाते हैं, तो बहुत सारे शिवलिंग इस तरह से बनने चाहिए। और आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा एक नहीं है, अमरावती के रास्ते आप अगर आगे बढ़ते हो और भी छोटी छोटी गुफाएं आपको दिखती है और वह सभी बर्फ से ढकी हुई होती है, लेकिन वहां पर आपको कोई शिवलिंग नहीं दिखेगा। शिवलिंग के आसपास बहुत सारी कच्ची आपको बर्फ दिख जाएंगी जो छूने पर बिखर जाती है, लेकिन यह चमत्कार से भी कम नहीं है। सिर्फ शिवलिंग का निर्माण ही पक्की बर्फ से होता है। और एक और आश्चर्य की बात कि इसकी ऊंचाई चंद्रमा के आकार के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। चंद्रमा के कलाओं की अगर बात करें, ऐसा ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव सबसे पहले इस गुफा में सावन की पूर्णिमा को आए थे, इसीलिए इस दिन को अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष महत्व दिया जाता है।
इस गुफा के बारे में और एक तथ्य सामने आता है कि मध्य युग के बाद इस गुफा को लोगों ने भुला दिया था और इस गुफा को 15वीं सदी में खोजा गया था। अमरनाथ गुफा के बारे में कई कहानियाँ कही जाती है और सबसे प्रचलित कहानियों में से एक कहानी जो कि बहुत प्रसिद्ध है वह गडरिये से जुड़ी हुई है। हम आपको बता दें कि बूटा मलिक नाम के एक गडरिये को किसी दिव्य पुरुष ने कोयले सा भरा हुआ एक घड़ा दिया था और जब वह कोयले के लेकर घर पहुंचा, उसे कोयले के जगह सिक्के मिले, जिससे वह खुशी के मारे उस स्थान पर वापस गया। उस स्थान पर वापस आने के बाद उसे वह दिव्य पुरुष तो नहीं मिले, लेकिन उस गडरिये को गुफा और शिवलिंग जरूर मिले। इस तरह अमरनाथ गुफा की खोज की गई, वो भी एक गडरिये द्वारा। यह एक चमत्कार नहीं तो और क्या है? तो एक खास समय पर शिवलिंग का बनना और तय समय पर उसका पिघल जाना, यह एक प्रकृति का चमत्कार ही तो है। 120 फीट ऊंची अमरनाथ गुफा के अंदर से छोटे छोटे बूंदे नीचे गिरकर और यह बूंदे फर्श पर गिरकर बर्फ का रूप ले लेती है और अपने आप ही शिवलिंग का रूप ले लेती है। भगवान शिव ने पार्वती माँ को जन्म मृत्यु का पाठ इसी गुफा में बताया था। यहाँ और भी आकृतियाँ बनती है जो कि माता पार्वती और भगवान गणेश का रूप कहा जाता है। यहाँ हिंदू भक्तों की संख्या लगातार बढ़ते ही जा रही है। जुलाई से लेकर सावन माह तक यहाँ पर भक्तों का जमावड़ा बना रहता है। 45 दिनों तक यह यात्रा चलती रहती है। जब भी आप अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाए तो जुलाई महीने में ही जाए, क्योंकि बाद में शिवलिंग पिघलना स्टार्ट हो जाता है। अमरनाथ यात्रा में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके कारण शिवलिंग ज़्यादा दिन तक अभी नहीं रहता। अभी तक पुख्ता सबूत वैज्ञानिकों के पास भी नहीं है कि शिवलिंग कैसे बनता है। आपको क्या लगता है, यह शिवलिंग चमत्कारी है या फिर प्राकृतिक? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।